हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेंशन मैथ फॉर 8 की सीरीज में। स्पेशल प्रोडक्ट्स को समझने से पहले हमें कुछ फार्मूले याद रखने हैं और ये फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आइए उन फार्मूलों को हम पहले समझते हैं, वो फार्मूले कौन से। सबसे पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड जो है वो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हालांकि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है मैथ्स रिवीजन ऑफ मैथ्स फार्मूला की, जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन चूंकि यहाँ पर फिर से आए हैं ये फार्मूले, तो मैं आपको ये फिर से बता रहा हूँ। तो इस पर बेस्ड और थर्ड एक बड़ा एक कॉमन सा फार्मूला है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट बिकम्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 7 एंड ए बी इक्वल टू 10, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब आपको पूरे समय ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये तीनों टर्म आते हैं। तो आप गौर से देखिए, तो वो ये फार्मूला है जिसमें ए प्लस बी भी आ रहा है, ए बी भी आ रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ रहा है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट, देखिए क्या लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7, और यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और 2ab की जगह हम 10 लिख देंगे। और इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 49, ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 20, ये 20 इधर आएगा, 49 माइनस 20 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं जब साइड चेंज होता है तो साइन पलट जाता है, जब कोई चीज इक्वल के दूसरे साइड में जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा 9 और ये आ जाएगा आपका 29। तो आप समझ गए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आया, 29। तो ये आपका आंसर रहा इस क्वेश्चन का। और सेम हम एक्चुअली जब भी कभी आप फार्मूले को लगाएं तो उसमें ये चीज जरूर देखें कि न्यूमेरिकल लगाएं तो उसमें ये जरूर देखें कि वो किस फार्मूले से कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि अगर आपको वो फार्मूला पता चल जाएगा तो फिर आप उसको आसानी से लगा पाएंगे। एक और फार्मूला है जो मैं चाहूँगा कि आप इसे याद रखें, वो फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी और ए बी के बीच में रिलेशन का। तो वो फार्मूला होता है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। एक्चुअली ये फार्मूला नहीं है, ये डेराइव्ड फार्मूला है, इसको बोलते हैं डेराइव्ड फार्मूला। तो इसको हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा इसी पर आधारित है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ ए प्लस बी इफ ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड ए बी इक्वल टू 9, फाइंड वैल्यू ए प्लस बी। ए प्लस बी की वो वैल्यू पूछ रहा है, तो आइए सारे मान यहां रख देते हैं। ए माइनस बी 8 हो गया, 8 का स्क्वायर, और 4ab, तो ये हमने 9 लिखाया। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 64, ये हो गया 36, एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर 36 प्लस 64 100 ये आया बच्चों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, और जब कभी भी स्क्वायर होता है और उसे जब हम हटाते हैं मतलब स्क्वायर रूट लेते हैं, तो याद रखिए हमेशा हम प्लस माइनस का साइन पुट करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड आंसर। इस क्वेश्चन को हमने क्यों बताया बच्चों, क्योंकि इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए बी में रिलेशन है। अभी इसमें कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें हम दोनों रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ये एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ए प्लस बी है, ए माइनस बी है और ए बी भी है।
तो आपको क्वेश्चन लगाते समय ये ध्यान देना है कि कहां पर किस तरह की चीजों को हमें यूज करना है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी इफ इफ ए प्लस बी इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको यह ध्यान रखना है कि ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी में क्या रिलेशन। तो हमने देखिए शुरुआत में लिख रखा है ये फॉर्मूले में कि ये एक रिलेशन है, तो हम इसको फिर से यहां लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें इसे ध्यान में रखना है बच्चों। अब हम यहाँ लिख देंगे 4ab, a प्लस बी की वैल्यू 8 दी है तो 8 का स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू 2 है 2 का स्क्वायर। 4ab इज इक्वल टू 64 माइनस 4, 4ab इज इक्वल टू 60 एंड ab इज इक्वल टू 50। तो इस प्रकार से आप देखिए बच्चों, आपको ab का मान भी प्राप्त हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस और लगाते जाएंगे आपको समझ में आता जाए। देखिए कभी भी फार्मूला जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो। मतलब ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab होता है, जरूरत पड़ने पर यह फार्मूला इस साइड भी मूव करता है। दैट मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट उसको ये लिखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप डायरेक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए जैसे इफ, ये भी क्वेश्चन हमारे पास, इफ m माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट m प्लस 1 अपॉन m, सेकेंड m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर। ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। कैसे देखिए सॉल्व होता है, आइए इसको समझते हैं। आंसर में चलते हैं। आंसर में समझने के लिए हम सबसे पहले ये ऑब्जर्व करें कि m माइनस 1 अपॉन m है और हमें चाहिए m प्लस 1 अपॉन m और चाहिए m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर कहाँ आता है? तो आप गौर से अगर समझेंगे इस फॉर्मूले को तो आपको क्लियर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2 a इंटू बी, ये आपका। तो इसको जरा और गौर से देखें हम, तो ये लिखेंगे m स्क्वायर 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 2। तो आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी बच्चों कि ये वो है फार्मूला जिसमें देखिए m माइनस 1 अपॉन m आपको यहाँ दिया हुआ है और m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। तो हम सेकंड पार्ट पहले लगा लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम m माइनस 1 अपॉन m का मान यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और m स्क्वायर 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 2। अब ये 2 इस साइड में आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर है दैट मींस 16 और ये प्लस 2 हो गया और m स्क्वायर 1 अपॉन m स्क्वायर हो गया और इसका फॉर्मूला आएगा m स्क्वायर प्लस, इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा 18। अब एक और हमारा क्वेश्चन है m प्लस 1 अपॉन m, ये कैसे निकलेगा? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कौन सा ऐसा फार्मूला था जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी दोनों चीजों को डिस्कस किया गया? तो वो फार्मूला था हमारा a प्लस बी और a माइनस बी और ए बी। तो हम इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, उसका तरीका ये है कि m माइनस m का होल स्क्वायर माइनस m माइनस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों यहाँ पर कि मैंने यहाँ 4 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि a और b, a की वैल्यू m है और b की वैल्यू 1 अपॉन m है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या जाएगा, कट के 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ m की वैल्यू आपको a दे रखी है, m की a की वैल्यू है m और b की वैल्यू है 1 अपॉन m, mm कैंसिल हो गया और कितना आ गया 1। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ रहे हैं।
और इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए m माइनस वन एम प्लस वन अपॉन एम का होल स्क्वायर m माइनस वन अपॉन एम ये आया 4, ये लिखा। तो m प्लस वन अपॉन एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 16, ठीक है, 4 20 ये हो गया। m प्लस वन अपॉन एम का होल स्क्वायर 20 है, तो m प्लस वन अपॉन एम कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि इसकी जो वैल्यू आई वो प्लस माइनस 20 आ गई। मैं ये बार बार आपसे कहूंगा कि जो भी वीडियोस आपको बताए जाएं उनको कम से कम आप बार बार देखें, जिससे कि आपको वो चीजें समझ में आ सके। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे महत्वपूर्ण फार्मूलों को डिस्कस किया, और वो फार्मूले थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।